हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को, और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में हम इतने हद तक बढ़ चुके हैं आगे कि आज हमारा जो चैप्टर चलने वाला होगा चैप्टर नंबर 5 होगा, ठीक है। इसके पहले आप लोगों की जो भी क्लासेस थी लाइव क्लासेस हो चुकी हैं दोस्तों 100%, जिसमें हमने चैप्टर 4 तक आप लोगों को लाइव क्लास में डिस्कस कर रखा है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मेरे भाई चैनल पर नए रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। आइएगा, आज के हम टॉपिक को क्या पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करना चाहेंगे। सबसे पहले हमारा चैप्टर नंबर 5 होगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 को हम बोलेंगे दोस्तों नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है। हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 को एप्लीकेशन पे डिस्कस कर रखा है। अच्छा, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक एप्लीकेशन पे अपने क्लास को एनरोल नहीं किए हैं, जल्दी से जाकर क्लास को एनरोल कर लेंगे। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ दोस्तों कि यहाँ पे आप लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की क्लास जो है बहुत चलेगी दोस्तों, यहाँ पे 4-5 लेक्चर और चलेगा, ठीक है। यही 5 लेक्चर में आप लोग कम्प्लीटली यहाँ पे पूरा इन्वायरमेंटल स्टडीज जो है फिनिश कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिएगा हमारा इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन जो है दोस्तों, यहाँ पे इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण प्रदूषण के जो रूल्स हैं ये भी आप लोग 100% हो चुके हैं। तो बस यहाँ पे करना क्या है, चीज़ों को बस पढ़ाना है और समझाना है, ठीक है। देखिएगा, मैं बार बार आप लोगों से एक चीज़ बात कर रहा हूँ दोस्तों कि आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आप लोगों को एप्लीकेशन पे दिए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोगों को एप्लीकेशन पे, आप लोगों को यूट्यूब पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका जल्द ही मिल जाएगा, क्योंकि आप लोगों को मैं इस बार 100% इस प्रकार से पढ़ाऊंगा दोस्तों कि सारी चीज़ें आप लोगों के एग्जाम में फंसने वाली होंगी, ठीक है। आप लोगों का जैसे मशीन में चल रहा है चैप्टर 2, आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप लोगों को जल्दी से एप्लीकेशन पे क्लास को एनरोल करना ही करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। जैसे आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था दोस्तों, हर एक चीज़ आप लोग एग्जाम में कहीं ना कहीं फंसी थी, उसी प्रकार से इस बार भी आप लोग एग्जाम में कहीं ना कहीं हर एक चीज़ फंसेगी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, और 100% आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रख चलना होता है दोस्तों, 100% इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, ठीक है। क्या हम लोग 100% करेक्ट हैं? बोलेंगे नहीं सर, 100% कैसे करेक्ट हो सकते हैं, हमें भी आप लोग हमें भी आप इरर होगा दोस्तों, और आप में भी कहीं ना कहीं इरर होगा। तो इन चीज़ों को आप लोगों को बैलेंस करके रखना होगा, ठीक है। चलिएगा, हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। नॉइस पोल्यूशन में हमें पढ़ना क्या है, सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन रहेगा, यूनिट ऑफ नॉइस रहेगा दोस्तों, ठीक है, इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन रहेगा, और इसके बाद एक्सेप्टेबल नॉइस लेवल रहेगा दोस्तों, और डिफरेंट मेथड ऑफ मिनिमाइज नॉइस पोल्यूशन, यानी विभिन्न प्रकार के मेथड होंगे दोस्तों जिससे हम करेंगे नॉइस पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, ठीक है। आइएगा, टॉपिक को स्टार्ट किया जाएगा दोस्तों, और हमारा चैप्टर जैसा कि रहेगा यहाँ पे नॉइस पोल्यूशन यानी शोर प्रदूषण बोल सकते हैं, या ध्वनि प्रदूषण इसको नाम दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को शोर प्रदूषण ही लेके चलना है, ध्वनि दूसरा हो जाता है दोस्तों और शोर हमारा दूसरा हो जाता है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये स्वर जो होता है दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को स्वर क्या होता है, ध्वनि क्या होता है, एक चीज़ ध्यान रखिए, स्वर जो होता है बहुत मतलब ज़्यादा नहीं होता है, मतलब बहुत धीरे धीरे जो बात करते रहते हैं, भुनगुनाते रहते हैं, उसे हम सुर कहते हैं। ध्वनि जो होता है जैसे डीजे, आप लोग जानते हैं दोस्तों, डीजे पे जो गाना बजता है, कहाँ से कहाँ तक लाते हैं, लंदन से कोई लाया जाएगा और खूब उसे रात भर नचाया जाएगा, तो वो चीज़ें जो होती हैं दोस्तों, जो गाना बजेगा वो हमारा ध्वनि का काम करेगा। अच्छा, शोर की बात की जाएगी, जैसे आप लोग घर आप लोग 5-6 मित्र हैं, बहुत धीरे धीरे कोई सो रहा है और बहुत मतलब आप लोग धीरे धीरे बात कर रहे हो, तो उसे आप लोग बोलेंगे कि अगले व्यक्ति के कंपैरिजन में आप लोग शोर कर रहे हो, ठीक है। आइएगा, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, हम हर्टले हैं, ठीक है, हर्ले हैं, हर्लेल है, ठीक है, क्या है, हर्लेल है। हर्लेल के अनुसार यानी एक वैज्ञानिक है, इन्होंने बताया क्या कि जो मतलब कि शोर की डेफिनेशन हो सकती है वो क्या हो सकती है, लिखेंगे दोस्तों, शोर एक ऐसी न चाहने वाली ध्वनि है जिससे सुस्ती बढ़ती है। सुस्ती मतलब कि यार यार कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, उसे हम सुस्ती बोलते हैं, ठीक है, और कुछ औद्योगिक दशाओं में बहरेपन का कारण बनती है, ठीक है। अच्छा, आप लोग जैसे सोते रहते हैं और कोई चिल्लाता रहता है आपके बगल में, तो उसको तुरंत लात मार के क्या करते हो, बाहर भगवा देते हो, ठीक है। ये बात आप लोग करते ही होंगे भाई, 100% करते होंगे, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है। तो वही आप लोगों को क्या करना है, इसको याद कर लेना है, हर्लेल के अकॉर्डिंग है, हर्लेल ने अपनी जो है शोर प्रदूषण जो है दोस्तों यानी नॉइज़ पोल्यूशन का डेफिनेशन यहाँ पे बताया है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखें, सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन यानी ये आप लोगों को ध्यान में रख के चलना होगा, यानी क्या क्या सोर्स हो सकते हैं ध्वनि शोर प्रदूषण यानी नॉइज़ पोल्यूशन के, ठीक है। नॉइज़ पोल्यूशन के क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हम सोर्सेस देखेंगे। जैसे मैं बात करूँ दोस्तों, इंडस्ट्रियल नॉइज़ पोल्यूशन, ट्रांसपोर्ट नॉइज़ पोल्यूशन, कम्युनिटी, यहाँ पे लिखा है दोस्तों कम्युनिटी नॉइज़ पोल्यूशन, और हमारा क्या है दोस्तों, नेचुरल नॉइज़ पोल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों कि इंडस्ट्रियल नॉइज़ पोल्यूशन तो आप लोग जानते ही, इंडस्ट्रीज़ के द्वारा जो शोर होगा उसको हम बोलेंगे दोस्तों इंडस्ट्रियल नॉइज़ पोल्यूशन। ट्रांसपोर्ट यानी गाड़ियों के यातायात यानी गाड़ियों के इधर उधर जाने आने से ये जो यहाँ पे शोर हल्ला गुल्ला होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम यातायात ध्वनि या शोर प्रदूषण बोल सकते हो, ठीक है। शोर ही लिखिएगा, ध्वनि नहीं लिखेंगे आप लोग, शोर ही लिखिएगा।
हम नॉइस पोल्यूशन को यहाँ पे आप लोगों को नॉइस पोल्यूशन ही लिखिएगा, ठीक है, ध्वनि नहीं लिखना है आप लोगों को। मैं यहाँ पे ध्वनि लिख दिया हूँ, लेकिन यहाँ पे ध्वनि का मतलब अलग हो जाएगा दोस्तों और शोर का मतलब अलग हो जाएगा, ठीक है। साउंड पोल्यूशन तब हमें लिखना होता है, ठीक है। साउंड मतलब होता है ध्वनि, यहाँ पे एक चीज़ का करेक्ट कर लेंगे आप लोग, जो ध्वनि लिखा गया है इसे आप लोग शोर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शोर। आइएगा अगला बात करना चाहेंगे दोस्तों, सामुदायिक कम्युनिटी यानी कम्युनिटी नॉइज क्या होता है। बहुत विभिन्न प्रकार के समुदाय के लोग रहेंगे, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और कौन कौन से होते हैं भाई, जैन, जैनिज्म रहेंगे, बुद्धिज्म रहेंगे। इन सारी सारे लोग अगर एक जगह मिल जाएंगे तो क्या होगा, बातचीत होगी भाई, और इनके बातचीत से क्या होगा, शोर तो कहीं ना कहीं होगा ही, ठीक है। आइएगा हम बात करते हैं दोस्तों इंडस्ट्रियल नॉइज़ पोल्यूशन की। यहाँ पे इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ दोस्तों, ताकि आप लोगों को इस चीज़ का नॉलेज हो कि यहाँ पे इसका मतलब यही है, ठीक है। इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे क्या, इंडस्ट्रियल नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको लेके चलना है, ठीक है। आइएगा इंडस्ट्रियल नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों, इसमें लिखेंगे उद्योगों में चलने वाली बड़ी बड़ी मशीनों तथा उद्योगों में मशीनों की मरम्मत, ठीक है, मरम्मत सामान को, ठीक है, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक फेंकना, ठीक है, फेंकना है भाई, फेंकना नहीं है, फेंकना, आदि से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे ही औद्योगिक ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, या औद्योगिक इंडस्ट्रियल, या इंडस्ट्रियल या औद्योगिक शोर प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जैसे हम इंडस्ट्रीज की बात किया जाएगा तो यहाँ पे मशीनें चलाई जाएंगी, मरम्मत किया जाएगा और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक फेंका जाएगा या रखा जाएगा, तो उससे कहीं ना कहीं क्या होगा, शोर होगा, ठीक है, नॉइज होगी, ठीक है। अगली बात, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे यातायात ध्वनि प्रदूषण। यातायात मतलब होता है दोस्तों ट्रांसपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे ट्रांसपोर्ट नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है, इसको भी याद करके रखना है, ठीक है। क्या कहा हमने, ट्रांसपोर्ट नॉइस पॉल्यूशन में क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे ध्वनि की जगह है आप लोग शोर कर लीजिएगा, ठीक है, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो भाई। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग गाली देना स्टार्ट कर दो, अरे आपको जो नहीं लिखना था तो ऐसा क्यों लिख दिए, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं मतलब कि सुझाव देते हैं भाई, 100% सुझाव दीजिए, लेकिन सही वाला सुझाव दीजिए ना, ठीक है। आइएगा लिखिएगा दोस्तों यातायात यानी ट्रांसपोर्ट ध्वनि नॉइस पोल्यूशन में क्या लिखना है। लिखेंगे दोस्तों यातायात के विभिन्न साधनों, जैसे रेल हो गया दोस्तों, ट्रक हो गया, स्कूटर हो गया, ट्रेन हो गया, हवाई जहाज हो गया, इन सारी चीज़ों के कारण क्या होगा, इन सारी चीज़ों के कारण क्या होगा दोस्तों, अगर खड़ी है तो कोई बात नहीं है दोस्तों, अगर चल रही है तब तो हमारा क्या होगा, नॉइस पोल्यूशन होगा ही होगा, ठीक है। क्या होगा, इससे ध्वनि प्रदूषण, या फुल लिख सकते हो नॉइस पोल्यूशन होता है, ठीक है। इस प्रकार के प्रदूषण को यातायात ध्वनि प्रदूषण या यातायात नॉइस पोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को आप लोग जरूर लिखोगे, ठीक है, इन चीज़ों को आप लोग जरूर लिखोगे दोस्तों, एग्जाम में ऐसे ही लिख के आना है, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करना चाहूँगा, यहाँ पे इसके बाद हमारा रहेगा प्राकृतिक नॉइस पोल्यूशन यानी नेचुरल, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे नेचुरल रहेगा, नेचर रहेगा, नेचुरल रहेगा मेरे भाई, क्या रहेगा, नेचुरल लिखिएगा यहाँ पे, नेचुरल नॉइज पॉल्यूशन, हंड्रेड परसेंट आप लोग वैसे ही लिख के आओगे ना दोस्तों, तो मेरे बात का ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को बहुत अच्छा खासा नंबर मिलने वाला होगा, क्योंकि यह सब्जेक्ट जो होगा दोस्तों इसमें जितना आप लोग लिख सको, 100% जितना आप लोग लिख सको आप लोग लिख के आइएगा, ठीक है, आप लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ से अच्छा खासा नंबर मिलेगा। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो भी स्टूडेंट्स आगे चल के आप लोग RRB JEE की एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहेंगे, ठीक है, RRB JEE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अच्छा खासा पोस्ट आता है भाई, इस बात को ध्यान रखे चलिएगा। RRB JEE की जल्द ही पोस्टेस जो है दोस्तों आने वाली हैं, लेकिन आप लोग अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रख के चलना है दोस्तों, कभी हमें मौका मिलेगा RRB JEE देने का तो वहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रख के चलना है कि हमें सिंपल से वे में क्या करना है, जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है यहाँ से आप लोगों को 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, सॉरी 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, और 10 क्वेश्चन इतने तुच्छे टाइप के होंगे कि आप लोग हमारे नोट्स को पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा। अभी मैं आगे चल के एक चैप्टर रहेगा दोस्तों जिसमें मैं दिखाऊंगा, UPSC में ही आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ठीक है, UPSC का ही था, UPSC था या PCS का, PCS का पेपर था, ठीक है, UPSC नहीं बोल सकते, UPSC था या PCS का भाई, दोनों में से कोई एक था, एक समझ लेंगे, वहाँ से भी आप लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का क्वेश्चन आया था। ऐसा नहीं है बहुत ही टफ बनते हैं क्वेश्चन, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग रहेंगे, ठीक है, जो UPSC वाला था दोस्तों वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को कन्फ्यूज करके देगा, ठीक है, कि यहाँ इसमें ये भी होता है, ये भी होता है,
लेकिन उसका मेजर जो मेन रोल प्ले करता है पॉल्यूशन का वो कौन सा होता है, ठीक है, ये पूछा जाएगा। देगा तो सभी, उसमें से आप लोग सब पढ़े रहोगे, लेकिन जो मेन होगा उसको आप लोग ध्यान में रख के चलना होगा, ठीक है। तो आइएगा प्राकृतिक यानी नेचुरल नॉइज़ पॉल्यूशन को समझते हैं। लिखेंगे दोस्तों, प्राकृतिक कारणों से भी शोर होता है, जैसे बादलों का गर्जना, तेज वर्षा, तीव्र आंधी, नदियों के बहाव से समुद्री लहरों एवं ज्वार भाटा का भयानक शोर, भूकंपीय उथल पुथल व ज्वालामुखी का फूटना, ये सारी चीज़ों के कारण क्या होगा दोस्तों, प्राकृतिक नॉइज़ पॉल्यूशन होगा। यानी ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों प्राकृतिक नॉइज़ पॉल्यूशन के सोर्सेस हैं, ठीक है, इस बात को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को चैप्टर वन, चैप्टर टू, चैप्टर वन तो नहीं बोल सकते, चैप्टर टू, चैप्टर थ्री, चैप्टर फोर तक आप लोगों को 100% यही चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि आखिर प्रकृति के माध्यम से कौन कौन सा प्रदूषण हो रहा है, ठीक है। आगे इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को अब दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई भी पूछेगा आप लोगों को बता देना होगा, ठीक है। बताइएगा यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत होगा क्या, बोलेंगे नहीं सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद एक पॉइंट लिखा गया दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, कि प्राकृतिक ध्वनि प्रदूषण को भी को किसी भी प्रकार से रोका नहीं जा सकता। बताइएगा रोक सकते हैं आप लोग, बारिश होने लगेगी, तेज तूफान होने लगेगा, भूकंप आ जाएगा, तो आप लोग रोक नहीं पाओगे मेरे भाई, क्या औकात है आप लोगों की रोक लेंगे, नहीं कभी नहीं रोक पाओगे, भगवान भी नहीं रोक सकते तो आप क्या है, ठीक है। भगवान तो मतलब क्या ही कहा जाए, ठीक है, भगवान के बारे में इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ठीक है भाई। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो हमारा प्राकृतिक जल प्रदूषण, सॉरी प्राकृतिक नॉइज़ पॉल्यूशन होगा या नेचुरल नॉइज़ पॉल्यूशन जो होगा उसको हम रोक नहीं पाएंगे, उस पर किसी प्रकार का ह्यूमन कंट्रोल नहीं रहेगा, ठीक है। आइएगा अब दोस्तों, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, यहाँ से ध्यान से समझिएगा। लिखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट लिखा गया है, इंपॉर्टेंट फॉर जे एग्जाम्स, ठीक है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि नॉइज़ पॉल्यूशन का जो यूनिट होता है, यानी एक डेसिबल, यहाँ पे यूनिट की बात की जाती है, तो ये शोर की जो यूनिट होती है दोस्तों, इसे हम डीबी से डिनोट करते हैं, डीबी मतलब डेसिबल में, ठीक है। नॉइज़ की जो यूनिट होती है दोस्तों क्या होती है, डेसिबल होती है, ठीक है, क्या होती है, डेसिबल होती है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे शोर की इकाई में लिखना है दोस्तों, जो ध्वनि तरंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती हैं उन्हें मनुष्य सुन पाता है। अच्छा, ये मनुष्य इतनी इतने हर्ज की जो फ्रिक्वेंसी की अगर तरंगे रहेंगी दोस्तों या वेव्स रहेंगी तो उनको तो मनुष्य सुन पाएगा, लेकिन अगर दोस्तों इससे बहुत ज़्यादा हो गई तो मनुष्य को अच्छा नहीं लगेगा, उसी को हम बोलते हैं दोस्तों साउंड पॉल्यूशन। क्या कहेंगे, साउंड पॉल्यूशन कहेंगे, यानी ध्वनि प्रदूषण, उसको हम तब बोलना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आइएगा यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा है दोस्तों, शोर की तीव्रता को बेल या डेसिबल में मापा जाता है, बेल या डेसिबल में मापा जाएगा, ठीक है। शोर की जो इंटेंसिटी होगी दोस्तों उसको किस में मापेंगे, हम बेल या डेसिबल में नापेंगे, ठीक है। यानी इसका मेजरमेंट होगा बेल या डेसिबल में हम मेजर करेंगे, यानी एक डेसिबल यानी 1 dB इक्वल टू होता है दोस्तों 1/10 बेल। यही दोस्तों, इतना अगर इतना जगह शोर हो, इतना पॉइंट का हमारा क्या हो रहा है, इतना डीबी का अगर हमारा कोई ध्वनि आ रहा है तो एक चीज़ समझिएगा, इससे हमारा क्या होगा, नॉइज़ पॉल्यूशन होगा, ठीक है। इससे क्या होगा दोस्तों, अगर 1/10 बेल का हमारा कोई ध्वनि सुनाई दे रहा है तो यह हमारा क्या होगा, नॉइज़ पॉल्यूशन का होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, इसको जो 1 dB इक्वल टू होता है 1/10 बेल होता है, कई बार आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको याद रख के चलिए आएगा। अब दोस्तों, इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन यानी क्या प्रभाव पड़ता है नॉइज़ पॉल्यूशन का, तो इसको ध्यान से देख के चलना होगा। आइए दोस्तों लिखेंगे, नॉइज़ पॉल्यूशन मानव जीवन पर निम्न प्रभाव डालता है, पहला पॉइंट लिखेगा दोस्तों, और सारी चीज़ें आप लोगों को सिंपल रहेंगी, ऐसा नहीं रहेगा बहुत ही रॉकेट साइंस रहेगा इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस चीज़ों को एक बार पढ़ना है, एग्जाम में लिख के आना है। आइएगा लिखिएगा दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति लगातार शोर सुन रहा है, यानी बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है वहाँ पर सुन रहा है, तो उसके सुनने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तथा उसके सिर में दर्द होने लगता है। दोस्तों आप लोग कभी कभी आप लोगों ने रिज्यूम किया होगा या फिर आप लोग सोच सकते हो कि अगर आप लोग एक दिन आप लोगों को बहुत ज़्यादा गाड़ी चलवा दिया जाए, ठीक है, क्या करवा दिया जाए, गाड़ी बहुत ज़्यादा चलवा दिया जाए, लगभग आप लोगों से 200-300 किलोमीटर आप लोग कभी मतलब मान लीजिए कि 10 किलोमीटर चला रहे हो, मैं आप लोगों को ले चलूँ एक दिन 300 किलोमीटर चलवा दूँ गाड़ी, ठीक है, और वही कौन सी गाड़ी, 4-व्हीलर नहीं 2-व्हीलर। तो दोस्तों अगर 2-व्हीलर गाड़ी को चलाएंगे आप लोग तो जब आएंगे, जैसे कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों यात्रा पे आने के बाद अगर सो जाते हैं तो बहुत सारी आवाज़ें वही सुनाने ही देने लगती है, मतलब जैसे ऐसा लगता है कि वही चीज़ें फिर से सुना रही है। कभी आप लोगों ने ट्रेन से सफ़र किया होगा, अगर आके घर पे सोए होंगे दोस्तों तो आप लोगों को लगता है कि अरे यार बहुत तेज से ट्रेन चल रही है, हड़ 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 ये वाली आवाज़ जो आती है खटखट खटखट खटखट, तो ज़रूर आप लोगों को सुनाई देती होगी, मतलब ऐसा लगता है हमें लेकिन सुनाई नहीं देती है कि ये हमारे साथ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है, सारी इफेक्ट्स जो हैं दोस्तों, यही हमारा क्या है, नॉइज़ पॉल्यूशन है, ठीक है, ये क्या है, नॉइज़ पॉल्यूशन है। और इसके कारण अगर दोस्तों यही चीज़ें आप लोगों को लगातार लाइफ में चलती रहेंगी, ये तो एक दिन की बात है दोस्तों, अगर लाइफ में हर दिन यही काम चलता रहेगा कि आप लोग डेली ट्रेन से सफ़र करो, आके सो जाओ,
डेली ट्रेन से सफर करो, आके सो जाओ, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से आप लोग डिस्टर्ब हो जाओगे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रख के चलना है दोस्तों, कि जो पावर प्लांट्स होते हैं, कौन से पावर प्लांट्स सर, जो आप लोगों के थर्मल पावर प्लांट्स हो गया दोस्तों, थर्मल पावर प्लांट्स जो होता है यहाँ पे देखिए भारत में जो है थर्मल पावर प्लांट से सबसे ज़्यादा बिजली बनाई जाती है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कितना परसेंट, 69% नहीं, 69 नहीं, 59%, लगभग 59% तक बिजली हम क्या करते हैं अपने थर्मल पावर प्लांट से बनाते हैं। अच्छा, जब थर्मल पावर प्लांट जहाँ पे रहता है दोस्तों, वहाँ पे जाइएगा जहाँ पे मतलब कि क्या होता है, जहाँ पे टर्बाइनें बहुत तेज़ी के साथ चलती हैं, जहाँ पे आप लोगों का फर्नेस यानी जो ये बोल सकते बॉयलर जहाँ पे होता है, जहाँ पे पानी उबलता है, जहाँ पे बहुत तेज़ी के साथ फ़ैन वगैरह सारी चीज़ें चलती रहती हैं, वहाँ पे एक बार जाके सुनिएगा, अगर कोई चीज़ बोलता भी रहता है तो उसको सुनाई नहीं देता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे रहने वाला व्यक्ति अगर 2-3 महीने रह गया दोस्तों, तो उसको कहीं ना कहीं क्या होता है, बहरेपन का शिकार हो जाता है। इसीलिए कभी कभी जो थर्मल पावर प्लांट्स है दोस्तों, वहाँ पे लोगों को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है, यानी 15 दिन पे चेंज कर दिया जाएगा, यानी आप वहाँ पे रहोगे, वहाँ पे आप रहोगे, जहाँ पे शोर रहेगा, जहाँ ज़्यादा शोर रहेगा वहाँ से हटा के तुरंत एक्सचेंज कर दिया जाता है, इस प्रकार से सिस्टम चलता है। नहीं तो वो व्यक्ति जो होगा दोस्तों कहीं ना कहीं पीड़ित हो जाएगा नॉइस पॉल्यूशन का, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आई होप ये बातें आप लोग अपने एग्जाम में भी ऐसा लिख सकते हो दोस्तों, अगर कोई थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पे अगर जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, जहाँ पे जनरेटर्स वगैरह सारी चीज़ें लगी हुई हैं, अगर एक ही व्यक्ति को वहाँ पे काम करने के लिए बोला जाए तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, नॉइस पॉल्यूशन का शिकार हो जाएगा, यानी शोर जो है शोर प्रदूषण का शिकार हो जाएगा। दूसरा पॉइंट लिखना है दोस्तों, शोर की सीमा 90 dB यानी 90 dB से ऊपर होने पर त्वचा में क्या होता है, त्वचा में अचानक उत्तेजना उत्पन्न होती है, ठीक है। यानी दोस्तों जब डीजे रोड लाइट बनता है, बजता है, तो वहाँ से जो होती है दोस्तों 90 dB से क्या होता है, इससे ऊपर की ध्वनि होने लगती है। अब इस स्थिति में क्या होगा दोस्तों, आप लोग नाचने कूदने लगोगे कि अरे इतना मज़ा आ रहा है, क्या बताएं भाई, कहाँ से गाना तो बजता ही है, खेसारी हो चाहे पवन सिंह हो चाहे लंदन वाले हो भाई, ठीक है, सारी चीज़ों का गाना बजेगा दोस्तों, और जब गाना बजेगा तो आप लोग बहुत अच्छे वे में क्या करोगे, नाचने कूदने लगोगे, ठीक है। आज तो एक गाना, अब तो एक गाना और भी चल रहा है भाई शादी विवाह में, कि मेरे सैया सुपरस्टार बहुत ज़्यादा चल रहा है भाई, और कहाँ पे फ्लोर डीजे पे जब लड़कियाँ नाचती हैं तो, ठीक है, और ये गाना बहुत ही प्रचलन में भाई, देखेंगे मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं इस पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों ये क्या है, उत्तेजना पैदा करता है भाई। उत्तेजना क्या होता है सर, कि मतलब आपको नाचने पे मजबूर ही कर देगा, ठीक है, आपके दोस्त जो होंगे खींच के नहीं ले जाएंगे, आप खुद ही दौड़ के चले जाओगे, नहीं भैया नाचेंगे हम भी, ठीक है, हम भी लंदन से लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे शोर की जो सीमा होगी दोस्तों, शोर की सीमा 90 dB से अगर इसे ऊपर हो रही है तब हमें उत्तेजना होती है, किसमें, हमारे बॉडीज में, ठीक है। अब लिखेंगे स्टमच की मांसपेशियाँ जो होती है दोस्तों, स्टमक मतलब होता है पेट, ठीक है, अमाशय बोलते हैं वो, स्टमक मतलब होता है दोस्तों पेट, मतलब समझ लीजिए पेट, एक तरीके से पेट बहुत समझ लीजिए, ठीक है। स्टमक की पेशियाँ जो है दोस्तों संकीर्ण हो जाती है, संकीर्ण मतलब सिकुड़ जाती है, ठीक है, तथा मनुष्य के स्वभाव से उत्तेजना और क्रोध उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी आप लोगों ने इस पॉइंट को तो 100% आप लोग समझ जाओगे। अच्छा, जहाँ मान लीजिए कि आप लोग खूब अच्छे तरीके से नाच रहे हो, खूब मस्ती में हो, अगर तुरंत ही डीजे बंद कर दिया जाए तो आप लोग क्या करोगे, तुरंत डीजे पे लात मारना स्टार्ट कर दोगे, अरे इतना तेज से गुस्सा आता है भाई कि क्या बताया जाए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, डीजे पे तोड़ फोड़। अच्छा, कुछ देर बाद आप लोगों का जो गुस्सा है वो भी शांत हो जाता है। अच्छा, जब तक जोश रहता है तब तक आप लोग क्या करोगे, तुरंत नाचते कूदते रहोगे और तुरंत मतलब डीजे वाले को धमकी दोगे कि उठा के पलट देंगे तुम्हारा डीजे, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, लेकिन कुछ समय बाद क्या करेंगे, आप लोग भी शांत हो जाते हो, ठीक है। तो उसका कारण है भाई शांत होने का, क्योंकि हमारी जो मांसपेशियां हैं फिर से मतलब जो सिकुड़ी हुई हैं फैल जाती हैं, ठीक है, इससे क्या होगा आपका गुस्सा वगैरह सारी चीज़ें शांत हो जाती हैं, ठीक है, ठंडा पड़ जाते हैं आप, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या रहेगा दोस्तों, लगातार शोर के कारण अल्सर मतलब क्या होता है दोस्तों, अल्सर जो होता है दोस्तों इसको ध्यान से समझिएगा, अल्सर जो होता है पेट में, यानी पेट का जो अंदर वाला लेयर होता है, ठीक है, आपका पेट हो गया यानी स्टमक हो गया, स्टमक के अंदर वाला सबसे लेयर जो होता है उसमें क्या होता है दोस्तों, छाले पड़ जाते हैं, ठीक है, क्या पड़ जाते हैं, जैसे आपके मुंह में छाले पड़ जाते हैं वैसे ही पेट में जो दोस्तों एक लेयर होती है उसमें क्या होती है, उस लेयर में क्या होता है, छाले पड़ जाते हैं, ठीक है, मतलब वहाँ पे कोई क्या होता है, कुछ क्या हो जाता है, ये बोल सकते हो छाले जैसा पड़ जाता है, ठीक है, वहाँ से चमड़े थोड़े से कट जाते हैं, ठीक, इसे हम क्या कहेंगे, अल्सर कहते हैं, ठीक है। अगर कोई भी खाना खाएंगे दोस्तों बहुत तेज से आपको लगेगा, मतलब लगने का मतलब वैसे जैसे आप लोगों तीखा खा लोगे तो मुंह में लगने लगता है, वैसे ही आप लोगों को पेट में भी लगने लगता है, ठीक है। तो इसके उपचार के लिए क्या करना पड़ेगा, दवाइयाँ लेना पड़ेगा। शोर अल्सर जो होता है दोस्तों शोर के कारण हो सकता है, ठीक है। हृदय रोग यानी जो आप लोगों का, अच्छा एक चीज़ जानते होंगे दोस्तों, जो बीपी के बीमार रोगी होते हैं वो कहीं ना कहीं जो बहुत ज़्यादा साउंड होता है जहाँ पे वहाँ से बहुत दूर रहते हैं, मतलब उनको बहुत तेज़ आवाज़ नहीं सुनना पसंद होता है, ठीक है। हृदय रोग जो होते हैं दोस्तों, हार्ट पेशेंट जो होंगे उनको मतलब यहाँ पे नहीं रखा जाएगा। अच्छा,
एचबीपी मतलब हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति को भी यहाँ पे नहीं रखा जाएगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, ठीक है। इन सारे जो क्या होते हैं, ये सारे रोग क्या होते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं इन शोर के कारण, ठीक है। तो आप लोगों को भी क्या करना है, बहुत ज़्यादा शोर में नहीं जीना है, ज़िंदगी को आप लोगों को ख़त्म नहीं करना है, ज़िंदगी को जीना है मेरे भाई, ठीक है। आइएगा अगली पॉइंट की मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों, लिखेंगे अधिक शोर के कारण, लिखेंगे क्या लिखा है, अधिक शोर के कारण एड्रीनल ठीक है, एड्रीनल हार्मोन्स का उत्पादन अधिक मात्रा में होने लगता है, ठीक है। अब एड्रीनल हार्मोन्स क्या है भाई, इसके बारे में थोड़ा मतलब कम जानकारी है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिख दिया हूँ, इसको आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। एड्रीनल हार्मोन्स आप लोग डाल के देख लीजिएगा गूगल पे, तो पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद पाँचवा पॉइंट लिखे दोस्तों, वाहनों से सड़कों आदि पर अत्यधिक शोर होने से सड़क दुर्घटना हो जाती है। जैसे आप लोग समझ सकते हैं उसके बारे में, बहुत तेजी के साथ आपके पीछे बहुत दो ट्रेनें मतलब ट्रेनें नहीं बोल सकते, दो क्या आ रही भाई, बस नहीं, हमारे पास टेलर है, ठीक है, टेलर बोलते हो आप लोग, टेलर है और क्या है भाई, और क्या लेते हैं भाई, टेलर है और है मेरे पास ट्रक है, टेलर और ट्रक, दोनों की रेस हो रही है दोस्तों, और दोनों के रेस के बीच में आप हैं, ठीक है। आप मोटरसाइकिल से हैं और उन दोनों का साउंड इतना तेज है, इतना तेज है कि आपके अगल बगल दो भी गाड़ी और जा रही हैं, उनके साउंड के अकॉर्डिंग आप लोग, आपका जो है साउंड, आपके सुनने की क्षमता जो है, उनके कारण क्या हुई, जैसे आप हो गए, भैया हो गए हमारे, ठीक है, और एक भैया जी और हो गए, ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं। अब इनके गाड़ी का साउंड बहुत तेजी के साथ है, पीछे भी आप लोगों का एक टेलर आ रहा है, ठीक है, टेलर का जो साउंड है इनके कंपैरिजन में क्या है, उसका साउंड कम है। अब भैया क्या करेंगे, इनको तो समझ में ही नहीं आएगा, टेलर वाला आएगा इनको दाब देगा, ठीक है। तो यही होता है मेरे भाई, सड़कों पर वाहनों पे मतलब वाहनों से सड़कों सड़क पे क्या होता है, मतलब अधिक शोर के कारण क्या होता है, दुर्घटना हो जाती है, ठीक है, चीज़ों को सुन ही नहीं पाएगा व्यक्ति। अच्छा, कभी कभी ईयरफोन लगा के भी मतलब क्या होता है, जो गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति होता है, ड्राइवर जो होता है, मतलब कानों में ईयरफोन लगा के चलता है, उस स्थिति में भी क्या होता है, एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होती है। तो इन चीज़ों को आप लोग लिख सकते हो एग्जाम में, भर भर के लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे दोस्तों, उच्च तीव्रता के शोर से भवनों की दीवारों एवं छतों में क्या होती है, दरारें आ जाते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी जरूर याद रखिएगा। अच्छा, जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए रहेंगे भाई, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करेंगे, और अच्छा टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन करके रखेंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दीजिएगा, उससे वहां जाके आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। मैं हर एक स्टूडेंट से बोलना चाहूंगा कि टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिए, वहां भी आप लोगों को बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होता है दोस्तों, वो जरूर दिया जाता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आइएगा हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, शोर से लिखा है आत्मविश्वास कार्य क्षमता कम हो जाती है तथा एकाग्र ध्यान नहीं रह पाता है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा शोर होगा दोस्तों, तो आप लोग चीज़ों को जो आता भी रहता है, अगर आप लोग कभी कभी इस चीज़ को देखे होंगे, मान लीजिए कि आप लोग बहुत प्रेशर में हो, ठीक है, बहुत प्रेशर में हो दोस्तों, वहाँ पे साउंड भी बज रहा है, बहुत सारे लोग तो रिलैक्स होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है कि वो अपना ध्यान भंग कर देते हैं, ठीक है, उनका ध्यान जो होता है भंग हो जाता है, एकाग्र ही नहीं कर पाते, चीज़ों को गलत करके चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, शोर की अधिकता के कारण अनिद्रा मतलब होता है दोस्तों कि कम सोना, ठीक है, अनिद्रा का रोग लग जाता है जो अन्य रोगों को और बढ़ा देता है। अगर सोते हैं रिलैक्स, हम अपने बॉडी को रिलैक्स फील करवाएंगे दोस्तों, तो हमें रोग भी जो होंगे बहुत कम लेवल पे लगेंगे, ठीक है, मतलब उस पर हमारे हॉबी नहीं हो पाएंगे, हमारी बॉडी पे बहुत कम ही हमारे बॉडी पे क्या कर पाएंगे, रोग जो होंगे वो मतलब एक्टिव हो पाएंगे, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, रोगों और इन सारी चीज़ों को, अन्य रोगों को और बढ़ावा देना होता है, ठीक है, या देता है कौन, शोर की अधिकता के कारण भाषण देने में भी बाधा होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, कहीं भी आप लोगों का सेमिनार है, आप लोग स्कूल कॉलेज का सेमिनार जो है, और बजक बगल में डीजे बज रहा है दोस्तों, तो आप लोगों का भी, बहुत सारे लोगों का ध्यान तो डीजे पे ही जाएगा कि भाई वहाँ पे जो गाना बज रहा है कि लंदन से लाया जाएगा और रात भर नचाया जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, ध्यान तो भंग ही होगा भाई, सभी लोग मुस्कुराएंगे, आपके जो टीचर रहेंगे सेमिनार के जो टीचर रहेंगे वो भी मुस्कुराएंगे भाई, क्योंकि वो भी गाना सुने हैं भाई उस चीज़ को, तो मुस्कुराएंगे क्यों नहीं, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, जो भाषण देने वाला लड़का होगा जो वहाँ पे सेमिनार में जाके खड़ा होगा, ठीक है, पीपीटी को अपने बताने वाला होगा, वहाँ पे आप लोगों को साउंड बजा दीजिएगा, बहुत तेज़ी के साथ बजना चाहिए, इससे क्या होगा वो चीज़ों को भूल जाएगा, नहीं बता पाएगा सही से, कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़ा बहुत ही डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है। तो चलेगा दोस्त, इतनी चीज़ों को आप लोगों को याद करके रखना है, और मैं आप लोगों से बार बार कहना चाहूँगा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे, अगली क्लास जो होगी एप्लीकेशन पे होगी दोस्तों, और एप्लीकेशन पे मैं आप लोगों को ध्वनि प्रदूषण रोकने के उपाय बताऊंगा दोस्तों, उसके बाद हमारा जो ध्वनि प्रदूषण को रोकने के जो उपाय होंगे खत्म हो जाएगा, इसके बाद हमारा क्या होगा, इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन यानी पर्यावरणीय कानून हमारे
आप हमारे द्वारा आपको पढ़ने को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या बात करने वाले होंगे, इसके बाद चैप्टर नंबर 7 होगा इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेस ऑन एनवायरमेंट, ठीक है, पर्यावरण पर ऊर्जा उपयोग का प्रभाव, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा दोस्तों आप लोगों के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जल्दी से सभी स्टूडेंट्स जाके क्लास को एनरोल कर लेंगे दोस्तों। कोर्स की फीस की बात की जाएगी तो यहाँ पे जानते ही हैं सबसे मिनिमम फीस होता है स्टडी मेगा पॉइंट का ही, ठीक है। तो आप लोगों को फीस में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग जाके क्लास को जल्दी से इनरोल कर लीजिएगा, ठीक है। चीज़ें हमारी 100% क्लियर होंगी दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अभी हम 3-4 सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं, जैसे मैं मशीन को लेकर चल रहा हूँ दोस्तों, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को लेकर चल रहा हूँ, इसके बाद हमारा EIM है और हमारा क्या है और हमारा मैथ थर्ड है, ठीक है। इन चारों चीज़ों को लेकर चला जा रहा है अभी, और जैसे ही हमारा ये हमारा खत्म होगा इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे अपने EIM को, ठीक है। EIM भी हमारा चलना चाहिए भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा हम लोगों के लिए, ठीक है। तो चलेगा दोस्तों, आज के लिए इतना रखते हैं, और आप लोग टेलीग्राम चैनल और एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेंगे, अपना अच्छा खासा रिव्यू भी दीजिएगा एप्लीकेशन पर, ठीक है दोस्तों। तो चलेगा दोस्तों, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।